हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, बाबू का है इंजेक्शन लगवाना, तो हम और मम्मी और बाबू तीनों मिलकर जा रहे हैं बाबू को इंजेक्शन लगवाने। पहला सुई तो पड़ गया था और ये है दूसरा सुई। मतलब एक जो बच्चा होते ही बीसीजी पड़ता है वो, और फिर एक 1.5 महीने बाद, और फिर ये 2-2.5 महीने बाद का है। तो ये बाबू का तीसरा सुई है। तो देखिए, काफ़ी धूप भी है और मम्मी छाता लगा के जा रही थी बाबू को लेकर। मैं छाता नहीं लगाई थी, मैं सोची स्टॉल बांध लेती हूँ। तो देखिए, मैं स्टॉल बांध ली और मैं बाबू को सुई आंगनबाड़ी में लगवाती हूँ। और देखिए, बाबू देख रहा है मैं स्टॉल लगवा ली, तो बाबू देख रहा है कि कौन है मेरे पीछे पीछे, मेरा वीडियो बन रहा है। आराम से जा रहा है, अभी तो आराम से जा रहा है, जब सुई लगेगा तब पता चलेगा। देखिए, जब हम लोग पहुँच गए तो बाबू सो गया है। देखिए, काफ़ी भीड़ है और हम लोग को लेट हो गया था आने में, तो काफ़ी यहाँ भीड़ हो गया है। देखिए, बाबू को सुई लगेगा। यहाँ देखिए, एक 5 साल का बच्चा है, 5 साल से ऊपर ही का बच्चा होगा। इसको सुई लगाने में कोई डर नहीं, एकदम आराम से ये बच्चा सुई लगवा लिया, नो रोना धोना। देखिए कितना आराम से बच्चा सुई लगवा लिया। मुझे तो बुला लीजिए बच्चे को, फुर्सत नहीं है उसको, इसीलिए कुछ नहीं आया। जो अगले बार पड़ा था ना, इसमें 5 तरह का दवा मिक्स करना है, इससे बुखार दर्द सब आता है। ठीक है, इसी को सेकना है आपको। अगले बार सेकी थी ना, उसी तरह से सेक दीजिएगा कम से कम 1 सप्ताह तक, तो बच्चे को ये पैर ठीक रहेगा। नहीं तो ना, नहीं सेकने से ना कोई लापरवाही बरतती है ना, तो उसको थोड़ा सा खड़ा हो जाता है, तो जख्म बनाने का डर रहता है। हाँ हाँ, ठीक है, इसी तरह से अगले बार भी ठीक होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिलना डोलना नहीं बाबू, 2 मिनट रहो सही। ये वाला भी पैर पकड़ती है। हो गया, कंधा उठाइए ना। तो लग गया, तो हम लोग जा रहे हैं घर, और बाबू रोया भी। और तो फिर मैं ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।